हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का एक कमाल की ऐप के नए अपडेट के बारे में, जो कि बहुत यूजफुल है सैमसंग गैलेक्सी को कस्टमाइज करने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग में आपको एक गुड लक मॉड्यूल मिलता है या गुड लक ऐप मिलती है, जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी को कस्टमाइजेशन के लिए। तो उसमें से एक ऐप या एक मॉड्यूल में नया अपडेट आया है जिसका नाम है होम अप। तो नए अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए और एक्चुअल में होम अप से आप क्या क्या कर सकते हैं, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसे टेक। तो दोस्तों, जैसा कि बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गुड लक ऐप की एक मॉड्यूल के नए अपडेट के बारे में, जिसका नाम है होम अप मॉड्यूल। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पर अपने मोबाइल के गुड लक वाली ऐप में। गुड लक वाली ऐप में जाने के बाद आपको जाना है मेकअप में, और आपको यहाँ पर मिल जाएगा होम अप पे एक नया अपडेट। जैसे ही आप उस पर अपडेट पे क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट वो आपको ले जाएगा आपके गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आप देखेंगे इस अपडेट्स में क्या नया चेंज किया है। फिक्स सम एरर्स किए गए, जो भी कुछ एरर होंगे उसको यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया गया है। नीचे की तरफ आएंगे, इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 14 अगस्त मतलब आज ही के दिन या एक दिन पहले इसको रोल आउट किया गया है। और इसका वर्जन नंबर इस 14.00.31 और इसका साइज है 21.94 MB का। तो पहले तो मैं कर लेता हूँ अपडेट। दोस्तों आप बोलेंगे यार इसमें कुछ नया है तो है नहीं, फिर भी तुम वीडियो बना रहे हो। भाई नया भी नहीं है फिर भी मानता हूँ, बट जब भी आप इसको करेंगे आपको अपडेट जरूर करना चाहिए जब भी कोई नया अपडेट आए, बिकॉज सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स और उसकी स्पीड को भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स किया जाता है। ये चीज़ बहुत हर अपडेट में ये चीज़ तो 100% होती ही होती है। तो आपको हमेशा अपने डिवाइस को या अपने ऐप्स को अपडेट करके रखना चाहिए। और होम अप तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा होम जो है ना, ये पूरा होम अप से ही डिज़ाइंड है। अगर होम अप अपडेट नहीं होगी तो आपके मोबाइल में हैंगिंग की प्रॉब्लम या बोल सकते हैं ऐप क्रैश होने की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको उसको अपडेट करते रहना चाहिए। अब आपको बताऊं उसका यूज़ कैसे करते हैं। वापस अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊँ, यहाँ ले जाने के बाद अगर होम अप में जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा होम स्क्रीन का। तो होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन आप इसमें कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर सेट आउट कर रखा है 7x7। ये 7 ऐप्स इन अ रो और 7 ऐप्स इन अ कॉलम मैंने यहाँ पर सेट आउट कर रखी है। तो ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फेवरेट यहाँ पर कर सकते हैं कि कितनी फेवरेट शो हो। लूप पेजेस क्या होता है? लूप पेजेस ये होता है कि आप देखेंगे, जैसे आपने देखा ये मेरा होम पेज है, अब मैं यहाँ से घुमा फिरा के भी आऊँगा ना, मैं वापस होम पे आ गया हूँ, तो ये लूप होता है कि ताकि वो रोटेट होता रहे। अगर मैं लूप बंद कर दूंगा तो वो लूप रोटेट नहीं होगा, जैसे कि आप देखें बाहर आ गया हूँ मैं, और अगर मैं आप यहाँ से घुमाऊँ तो वो रोटेट नहीं होगा, लास्ट में अटक गया है, देख रहे हैं आप। तो ये होता है लूप के, ताकि आप इजीली सब जगह से उसको घुमा सकें। तो ये यहाँ पर आपको मिलता है लूप वाला ऑप्शन, आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐप लिस्ट मतलब कि जैसे कि ये दिख रही है, ये ऐप लिस्ट है, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करें और इसको यहाँ से बंद आउट और सब चीज़ कर सकते हैं कि कितने कॉलम देखिए सब करें। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको बंद करूँगा तो आप देखेंगे ये ऐप लिस्ट यहाँ पर बंद हो गई और ये सिंपल पहले की तरह ये आने लगा है। तो आप ये भी कस्टमाइज कर सकते हैं। फाइंडर एक्सेस में जाएंगे तो कौन सी ऐप से फाइंड कर सके वो भी आप यहाँ पर सेट आउट कर सकते हैं। बैकग्राउंड ब्लर कंट्रोल, के बैकग्राउंड में ब्लर कितना कंट्रोल रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सेट आउट कर रखा है, आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर उसको सेट आउट कर सकते हैं। उसके नीचे हाइड ऐप आइकन लेवल, ऐप आइकन लेवल भी को भी हाइड यहाँ पर आप कर सकते हैं, ताकि आइकन का लेवल नीचे नहीं दिखे। आपको दिख रहा होगा आइकन के खाली वो दिख रहे होंगे, लोगो दिख रहे होंगे और उसका वहाँ पर टाइटल नहीं दिख रहा है। तो आप यहाँ पर उसको भी हाइड आउट कर सकते हैं, ताकि किसी को पता ना चले ये क्या चीज़ है। मेन चीज़ है इसका यार, ये आपके मोबाइल का जो होम स्क्रीन होती है उसको कस्टमाइज के लिए काम आता है। उसके नीचे आएगा फोल्डर्स, तो फोल्डर से रिलेटेड जो भी आपको काम करना है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर सेट आउट कर रखा है कि जब भी मैं कोई भी फोल्डर को ओपन करूँ और इस साइज़ में ओपन हो और छोटे साइज, जैसा कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इतने में ही ओपन होगा पॉपअप में, नहीं तो आप नॉर्मली इसको करेंगे तो पूरे स्क्रीन पर आ जाता है। तो वो भी यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन दिया है, बैकअप और रिस्टोर करना चाहें वो कर सकते हैं। शेयर मैनेजर पर जाएँ तो शेयर मैनेजर कैसा शो हो वो भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। चिप बटन हो ये कैसा हो सब यहाँ पर आप सेट आउट कर सकते हैं। उसके नीचे आएगा टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर मतलब कि जो भी आपके रिसेंट्स की ऐप हो सब यहाँ पर आप सेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिस्ट लगा के रखा हुआ है, अगर मैं लिस्ट में देखें तो लिस्ट ऐसी दिखेगी। अगर आप यहाँ पर ग्रेड कर लेंगे तो जैसा आपको वहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है तो सेम वैसी ऐप दिख जाएगी। ऐसे ही स्टैक्स में कर लेंगे तो स्टैक्स में दिख जाएगी। वर्टिकल्स ये सब चीज़ें यहाँ पर आप सेटआउट कर सकते हैं। मिनी मोड पर कर देंगे तो वो मिनी में आ जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मिनी मोड में आ जाएगा, आप दूसरा काम भी ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ही सेंट्रल में जाएंगे, सेंट्रल करेंटली रनिंग ऐप आएगी, ऐप लेबल ये सब चीज़ें आप यहाँ पर आप सेटआउट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये होता है टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर के अंदर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ऐप लेवल,
शो द लेवल ऑफ द टॉप, अगर आप इसको बंद कर देंगे तो आपको ऊपर लेवल भी पता नहीं लग जाएगा कि कौन सी ऐप है, और उसके नीचे आएंगे प्रीवियस ऐप विद कैरेक्टर्स, वो भी दिख जाएगा। अलाउ बटन टू कैरेक्टर्स इन फुल स्क्रीन मोड आप अलाउ कर देंगे। अलाउ रिसेंटली कैरेक्टर इन प्लेयर होम स्क्रीन गैजर टॉप प्रायोरिटी, मतलब कि ये सीधा सीधा टास्क मैनेजर और कस्टमाइजेशन का काम करता है। इस अपडेट में कुछ नया चेंजेस नहीं किया गया, बट उसमें कुछ परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू सो मच। दोस्तों जी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो।